तो भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में सोलो सिकोवा एंड सैमी जेन का मैच था। इस मैच के बारे में तो बहुत कुछ बताना है एंड देन भाई इस मैच के पहले भी द ब्लडलाइन के अंदर बहुत कुछ हो गया है। तो भाई इस वीडियो को पूरा तो देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई मैच शुरू होने से पहले हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का एक सेगमेंट आता है, जिस सेगमेंट में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कहते हैं जिमी ऊसो से कि तुम जे ऊसो से बात करो एंड जे ऊसो को द ब्लडलाइन में फिर से वापस लाओ। एंड देन भाई जिमी ऊसो बात करते हैं एंड रोमन रेंस से कहते हैं कि जे ऊसो बोल रहा है कि उसे अकेले छोड़ दीजिए एंड उसे सोचने का टाइम दीजिए। उसके बाद से भाई रोमन रेंस कहते हैं कि ये सारे फसाद का जड़ जो है वो सैमी जेन है और सैमी जेन को आज सोलो सिकोवा एंड तुम दोनों मिलके ठिकाने लगाओ, सैमी जेन को पूरी तरह से तोड़ दो। तो भाई रोमन रेंस ऑर्डर दे दिए थे कि आज के मेन इवेंट में आप लोग सैमी जेन को तोड़ देना। उसके बाद से भाई मेन इवेंट मैच आता है जो कि सोलो सिकोवा के पक्ष में ये मैच तो होता है, जब सोलो सिकोवा ने समवन स्पाइक लगा करके इस मैच को विन कर लिया। भाई इस मैच में बहुत कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, सैमी जेन एंड सोलो सिकोवा एक दूसरे को मारने पर लग जाते हैं शुरू में ही एंड देन भाई सैमी जेन थोड़ा सा अपर हैंड पाते हैं क्योंकि वो जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा को पहले ही मार के बाहर फेंक देते हैं। एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली थी, रोमन रेंस इस मैच को पीछे बैक स्टेज से देख रहे थे टीवी में एंड देन भाई रोमन रेंस देखते हैं हाँ सोलो सिकोवा जीत जाता है। उसके बाद से भाई द ब्लड लाइन की जो तोड़ने वाला स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यू रहता है एंड देन द ब्लड लाइन भाई तोड़ती है जैसे सबको, फिर से सैमी जेन को भी तोड़ना स्टार्ट करती है। एंड देन भाई अब लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आता है जब सैमी जेन के नेक में चेयर फंसा देते हैं सोलो सिकोवा एंड जाते हैं मारने, तभी भाई जिमी ऊसो रोक देते हैं एंड जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं इसको मारूंगा। जब भाई इतना ही कहते ही तब तक सैमी जेन बैकअप करते हैं, भाई सैमी जेन उसी से चेयर से सोलो सिकोवा को उनके फेस पे मारते हैं एंड भाई जिमी ऊसो को एक हेलम्बर किक बजा देते हैं एंड वहां से भाई मार के सरक लेते हैं। तो भाई जिमी ऊसो तो मार नहीं पाए लेकिन भाई रोमन रेंस ने एक और भी चीज़ कहा था उस सेगमेंट में। रोमन रेंस कहते हैं कि अगर जे ऊसो वापस नहीं आता है तो इसके इसको लिए मैं सैमी जेन को भी ब्लेम नहीं करूंगा, जे ऊसो को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा जिमी ऊसो को। एंड देन भाई नेक्स्ट वीक अगर जे ऊसो वापस नहीं आते हैं तो जिमी ऊसो को उसकी भुगतान भोगनी पड़ेगी। तो भाई अब ऐसे लग रहा है धीरे धीरे कि द ब्लड लाइन अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या ब्लड लाइन फिर से वापस आ जाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई दोनों तरफ 50-50 अप्स एंड डाउन्स चल रहा है क्योंकि भाई रोमन रेंस अब जिमी ऊसो को टारगेट कर रहे हैं, जे ऊसो तो चले गए हैं, अगर जिमी ऊसो जे ऊसो को वापस ला देते हैं तो भाई द ब्लड लाइन फिर से एक पेज पे आ जाएगी। एंड देन भाई सोलो सिकोवा की बात करें तो भाई सोलो सिकोवा तो रोमन रेंस के साथ ही रहने वाले हैं, सोलो सिकोवा को भाई आग हो या पानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड देन भाई सोलो सिकोवा अभी तक अनडिफीटेड है और आज सोलो सिकोवा भाई वही करके, भाई सोलो सिकोवा एक ऐसा बंदा है जिसको कितना भी मारो मतलब यार उनके चेहरे पे अलग ही एग्रेशन नजर आता है। तो अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि आज का मैच क्या